दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले और पाए दुनिया भर की रोचक खबरें फटाफट। थैंक यू। जॉन अब्राहम भी फिलहाल अपनी फिल्म सत्यमेव जयते को लेकर बेहद उत्साहित हैं। जॉन अपनी इस फिल्म का प्रमोशन हर जगह कर रहे हैं। इसके लिए वह कई रियलिटी शोज पर भी गए और सभी से इस फिल्म को देखने का अनुरोध किया है। लेकिन न जॉन अब्राहम टीवी के इतने बड़े पॉपुलर शो 10 का दम 3 पर अपनी फिल्म को प्रमोट करना नहीं चाहते। इस फैसले के पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि सलमान खान इस शो को होस्ट कर रहे हैं, इसलिए जॉन अब्राहम अपनी फिल्म का प्रचार इस शो पर नहीं करेंगे। सलमान खान के शो की जगह जॉन अब्राहम ने अपनी फिल्म का प्रचार सोनी टीवी के सिंगिंग शो इंडियन आइडल पर करना पसंद किया। खबरें हैं कि सलमान खान के कारण है जॉन अब्राहम अपनी फिल्म का प्रमोशन इस शो पर नहीं करना चाहते हैं। खबरें यह भी आ रही थी कि जॉन अब्राहम पिछले कुछ समय से सलमान खान के साथ अपने बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब जॉन अब्राहम ने फर्स्ट पोस्ट के साथ बातचीत के दौरान कहा कि अक्षय कुमार और सलमान खान सिर्फ दो ही ऐसे अभिनेता हैं जो नए डायरेक्टर के साथ काम करने से नहीं कतराते और अपने बॉलीवुड करियर पर रिस्क लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। सलमान खान और जॉन अब्राहम के बीच की ये दूरियां कब मिटेगी यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन दोनों की ही फ्रेंड भी यह आशा कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच सुलह हो जाए। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।